ओपन पेज नंबर 139, राइट क्लास वर्क डेटेड एंड डे ऑन टॉप. टेक योर क्रेयॉन कलर्स बेटा, क्रेयॉन कलर्स लीजिए अपने. स्टूडेंट्स टेक योर क्रेयॉन कलर्स, आप अपने क्रेयॉन कलर्स लीजिए अपने पास. सो मैम ग्रुप में डिवाइड नहीं करेंगे, बट अगर आपके पास क्रेयॉन कलर्स नहीं है, कोई भी आपके पास 12 आइटम होनी चाहिए, 12 आइटम्स. अगर कलर है तो आप कलर्स को भी ले सकते हैं. ओके सो मैम सीरियल नंबर बताएंगे, वो वाले सीरियल नंबर अपना अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे. 1 to 20, सीरियल नंबर 1 to 20, जिनके सीरियल नंबर 1 से लेकर 20 के बीच में है, वो सीरियल नंबर वाले बच्चे अपने क्रेयॉन कलर्स को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में. आपके पास 12 क्रेयॉन कलर्स हैं, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए. अगर क्रेयॉन कलर्स नहीं है तो यू कैन टेक स्टिक, मैच स्टिक भी ले सकते हैं. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक योर मटेरियल, डू फास्ट. फर्स्ट ग्रुप 1 to 20 सीरियल नंबर, सेकंड ग्रुप 21 to 40 सीरियल नंबर, थर्ड ग्रुप 41 to ऑनवर्ड्स जो लास्ट के बचे हुए हैं वहां तक, वो लास्ट ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में आएंगे. ओके टू फास्ट. उनके पास बेटा कलर्स नहीं है, माचिस की डिब्बी ले लीजिए जल्दी से. मैम आप क्या समझा रहे हो? मैम आप क्या समझा रही हो? समझ में नहीं आ. मैंने अभी अभी क्लास ज्वाइन किया है. आप डेली लास्ट में क्लास ज्वाइन करते हैं और बाद में यही रिस्पांस होता है, मैम समझ में नहीं आ रहा है. नहीं आ रहा है समझ में, सबसे पहले क्लास ज्वाइन. चले कितने ले आई हो? दो. ये दो बुआ है? हाँ बच्ची. गुड मॉर्निंग मैम. योर माइक बेटा. फ्रेंड्स आपको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है मैम ने. फर्स्ट ग्रुप जो है वो सीरियल नंबर 1 to 20 का है. जो सीरियल नंबर 1 to 20 के बीच में आते हैं वो फर्स्ट ग्रुप में है. मैम कौन सा है? सेकेंड 21 to 40 वो आपके में आएंगे, एंड 41 to ऑनवर्ड्स, 41 से आगे जो भी सीरियल नंबर है वो आपके थर्ड ग्रुप में आएंगे. दिस इज योर पेज नंबर 139. अगर क्रेयॉन कलर्स, अगर आपके पास क्रेयॉन कलर्स हैं तो अपने क्रेयॉन कलर्स लीजिए, नहीं है तो आपके पास माचिस की डिब्बी होगी वे ले लीजिए. टू फास्ट बेटा. मैम मेरे पास क्रेयॉन कलर है. 31 वाली भी चलेगी? 12 बीट्स, 12 होने चाहिए बेटा, जो भी आइटम है वो आपके पास 12 होनी चाहिए. नहीं है, नोटबुक्स होंगी, बुक्स होंगी, जो भी है वो आप अपने पास मटेरियल रखिए, पेन पेंसिल जो भी है, 12 आइटम्स होने चाहिए आपके पास. मैम 31 में भी चलेगी?
ओके मैम 31 से भी चलेगी क्या चलेगी बेटा 31 से एस लेना फिर इसमें ये बात नहीं लेना है डाल देनी थी ये 12 होंगी तो ये जाता फिर मैं यहाँ से 1 ले लूंगी ये बात कृतिका म्यूट योर माइक 12 ही लेनी है और जो जो सीरियल नंबर देखिए मैम ने मैस्टिक इसलिए बताई क्योंकि आपके पास हो सकता है क्रेयोन कलर्स ना भी हो सो काउंट करिए और 12 लीजिए ओके तो मैं सभी को बच्चों से क्वेश्चन पूछूंगी 2 4 6 8 10 12 ओके 12 हो गए ओके डन सो जिनके पास कलर्स हैं वो कलर्स लीजिए जिनके पास कलर्स नहीं हैं वो मैस्टिक ले लेंगे ओके नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्लास वर्क और जो जो ग्रुप्स डिवाइड किए हैं डू योर मैम मेरे पास 12 कलर हैं इट्स ओके बेटा कलर्स हैं तो कलर से भी डिवाइड कर सकते हैं ओके आपका सीरियल नंबर थर्ड ग्रुप है कृतिका आपका थर्ड ग्रुप है उनमें कोट रखना चुकी ने खा जा तू जो बड़ी छ नहीं पेंसिल्स हैं ओके ओके जो भी थिंग्स हैं आपके पास 12 होनी चाहिए 12 होनी चाहिए जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास हैं वो 12 होनी चाहिए ओके सो क्लास वर्क डाल लीजिए दिस इज पेज नंबर 139 क्लास वर्क डे ट्यूसडे एंड डेटे डालिए कलर्स हैं तो कलर्स लीजिए पेंसिल्स हैं 12 तो पेंसिल्स लीजिए जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास 12 है वो ले लीजिए ओके 1 2 फर्स्ट ग्रुप 1 1 to 20 सीरियल नंबर डिवाइड आप इन्हें इक्वली डिवाइड करोगे 2 पार्ट्स में मैम चेक करेंगे कहाँ डिवाइड किया आप बैक स्क्रीन से मुझे चेक करवाएंगे इन 12 जो स्टिक्स हैं ये मैस्टिक्स हैं इनको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है 2 पार्ट्स बनेंगे इसके सो जल्दी से 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है सेकंड ग्रुप वालों ने इन्हीं मैस्टिक्स को या क्रेयोन कलर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है थर्ड ग्रुप वालों ने लास्ट 41 ऑनवर्ड्स 41 से आगे जो भी सीरियल नंबर हैं उन्होंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड करना है 4 पार्ट बनाएंगे तो जल्दी से डिवाइड करिए मैम आपको चेक करेगी जल्दी से डिवाइड करिए सारे बच्चे अपने अपने कलर्स को डिवाइड करिए रितिका डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए अपने कलर्स को जल्दी से डिवाइड करेंगे और मुझे सॉल्व करके बताएंगे जो फर्स्ट ग्रुप में बताए हैं मेंबर वो फर्स्ट ग्रुप में ही शो होंगे सेकंड ग्रुप वाले सेकंड ग्रुप में ही शो करेंगे
डन, जिनका डन हो जाएगा जस्ट रेज योर हैंड। ओके वेरी गुड, डन गुंजन, डन ग्रुप वन आपका, आपने डिवाइड कर लिया इन्हें, टू पार्ट्स में डिवाइड किया ग्रुप वन वाले बच्चों ने, 1 to 20 सीरियल नंबर ने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो कितने कितने बीट्स आए हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करिए, कितने कितने बीट्स आ रहे हैं, जल्दी से करिए बेटा। जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट ग्रुप वाले बच्चे, फर्स्ट ग्रुप वाले ओनली सिंगल, हर्षित प्राशर, ओनली सिंगल स्टूडेंट हर्षित प्राशर ही है ग्रुप वन से। रेस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, डिवाइड करिए। हर्षित प्राशर डन, विशाल डन, यस मैम। ओके मुझे दिखाएंगे अभी बैक स्क्रीन करके टू पार्ट्स में कहाँ डिवाइड किए। दिखाइए टू बताए थे, रिया अयान, अयान बच्चे बाय क्या बोलना। अयान बेटा गलत हो गया है थोड़ा सा, आपने क्या कर दिया, आपके ग्रुप्स कितने बन गए, काउंट करिए कितने ग्रुप बने हैं, ग्रुप काउंट करिए कितने बने। वेरी गुड, ओके सो मैम आपको एक एग्जांपल करके बताते हैं। जब आपने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है तो देखिए, वन आपने फर्स्ट पार्ट को दे दी, वन आपने सेकंड पार्ट को, वन अगेन आपने फर्स्ट पार्ट को दी, वन अगेन आपने सेकंड पार्ट को दी, वन अगेन फर्स्ट पार्ट को, वन सेकंड पार्ट को, वन फर्स्ट पार्ट को, वन सेकंड पार्ट को, वन फर्स्ट पार्ट को, वन सेकंड पार्ट को, वन फर्स्ट पार्ट को, वन सेकंड पार्ट को। सो कितनी कितनी आ गई, कितनी है, हुआ ना बेटा, वेरी गुड। ओके नाउ ग्रुप टू, तो फर्स्ट ग्रुप वाले राइट करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 6, 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 6। अगर इन्होंने 12 थी, उन्हें टू पार्ट्स में डिवाइड किया तो हर ग्रुप में 6 6 के आगे 6 आ गई। ओके नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप वाले, सेकंड ग्रुप वाले, ओके ओके अयान वेरी गुड। नाउ ग्रुप नंबर टू, ग्रुप नंबर टू में कितने स्टूडेंट्स ने कर लिया है, ग्रुप टू है 21 से लेकर 4040 सक्षम तक, आरुष से लेकर सक्षम तक कितने स्टूडेंट्स ने कर लिया ग्रुप टू वाले, जस्ट रेज योर हैंड।
ग्रुप टू वाले स्टूडेंट्स। ग्रुप टू वाले बेटा, थ्री वाले सिर्फ अपना फोर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अनिका, यस मैम। आयुष, अनिका, आयुष और गुंजन, डन? बोलो यस मैम। यस मैम। यस मैम। कैसे? कहियो बंदियां नहीं अच्छी हैं, लेकिन ज्यादा अच्छी नहीं कोई। कहां पर डिवाइड किया है आपने, मुझे दिखाइए बेटा बैक स्क्रीन से। मुझे आपका फेस दिख रहा है, बैक स्क्रीन से दिखाइए कहां पर डिवाइड किया है। अनिका, तो इन्हें दिखाना था। ओके अनिका का डैड, अनिका, ओके अनिका शो मी, वेरी गुड। अनिका ने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, वेरी गुड। ओके और एक और किस बच्चे ने, आयुष, वेरी गुड बेटा, आपने अपने 12 क्रियोन कलर्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हर पार्ट में कितने कितने आ रहे हैं, बर्बली बोल के बताइए कितने कितने आए हैं। फोर आए हैं। ओके तो ये ग्रुप कितने का बना, कितने का बना ग्रुप, ये थ्री का बना, फोर, थ्री ग्रुप बने और हर ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट हैं, फोर फोर ऑब्जेक्ट हैं, वेरी गुड। सो नेक्स्ट आप राइट करेंगे 12 अगर ऑब्जेक्ट है, अगर हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट को कितने आएंगे, फोर बीट्स आएंगे। ओके वेरी गुड। लास्ट वाले, लास्ट ग्रुप, इधर देखो, ठीक है। लास्ट ग्रुप वाले कौन कौन बच्चे हैं? ओके अर्णव, रितिका, अनम्यूट योर माइक, रितिका, यामिनी, आपको फोर पार्ट्स में डिवाइड करना है, लास्ट ग्रुप। ओके मैम। यामिनी डन है बेटा, फोर पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मैम मैंने टू पार्ट्स में किया था, अभी मैं फोर में करती हूँ। मैंने आपको ग्रुप डिवाइड किए थे ना, आपका लास्ट ग्रुप था, आपका थर्ड ग्रुप था, तो थर्ड ग्रुप वाले ने किस में डिवाइड करना था, फोर पार्ट्स में डिवाइड करना था। ओके मैम। ओके ओके फोर पार्ट्स में डिवाइड करिए। रितिका डन, रितिका, शोमी बेटा, मैम डन। ओके शोमी कहाँ पर डिवाइड किया, फोर पार्ट्स में, फोर पार्ट्स में कहाँ बेटा दिखाइए। आरुषि बैक कैमरे से दिखाइए बेटा, फोर पार्ट्स में कहाँ डिवाइड किए। ओके आपने अपने कलर्स को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया, वेरी गुड। नाउ तो ईच ग्रुप, हर ग्रुप में कितने कितने ऑब्जेक्ट आ गए। मैम मैंने कर लिया। ओके सो हाउ मेनी, यस देयर आर, कितने ऑब्जेक्ट आ रहे हैं हर ग्रुप में। मैम थ्री, थ्री, वेरी गुड। सो अगर हम, हमारे पास 12 कलर बीड्स या जो भी हैं आपके पास, तो अगर आप उन्हें फोर ग्रुप में डिवाइड करेंगे देन वी गेट थ्री। ओके वेरी गुड। ओके डन, डू एंड डॉक्यूमेंट एक्टिविटी, नाउ ओपन योर ऑब्जर्वेशन बुक। तो ऐसे ही बेटा आपने अपने ऑब्जेक्ट को इक्वली डिवाइड करना है, इक्वल शेयरिंग,
इक्वली शेयर करना है, टू पार्ट्स में, थ्री पार्ट्स में, फोर पार्ट्स में, फाइव पार्ट्स में, ठीक है? ओके सो ओपन पेज नंबर 11, राइट डेटेड क्लास वर्क एंड ट्यूजडे ऑन द टॉप. मैम प्लीज रिस्पॉन्डिंग. ओके डन. So your first question is the shoe rack can hold 24 pair of shoes. एक shoe rack है जिसमें 24 pairs हैं. मान लीजिए आपका एक shoe rack है जहां पर आप shoes रखते हैं और उसमें कितने pair हैं? 24 pairs हैं. There are three shelves in the rack. अब उस shelf में कितने, sorry, उस rack में कितने shelves हैं? तीन shelf हैं. How many pair of shoes can go equally in each shelf? Okay. For example, आपके पास ये एक shelf है. इस shelf में एक shoe rack है. ये इस शू रैक में थ्री सेल्फ्स बनी हुई हैं. ये आपकी फर्स्ट सेल्फ है, ये आपकी सेकंड सेल्फ है और ये आपकी थर्ड सेल्फ है. ठीक है, ये आपकी फर्स्ट वाली सेल्फ आ गई, ये आपकी सेकंड वाली सेल्फ आ गई, ये थर्ड वाली सेल्फ आ गई. ओके, नाउ वो बोल रहे हैं कि आपके पास 24 पेयर्स हैं शूज के. कितने पेयर्स हैं? 24 पेयर्स मीन्स आपके शूज, ये स्कूल वाले शूज, ये वन पेयर, ये टू पेयर, थ्री पेयर, फोर पेयर, फाइव पेयर, सिक्स पेयर, ऐसे ऐसे करके आपके पास ये शूज के कितने पेयर हैं? टोटल 24 है. ये तो सिक्स पेयर है बट टोटल 24 पेयर्स हैं. आपको उन्हें थ्री सेल्फ में डिवाइड करना है. तो थ्री सेल्फ में जब डिवाइड करेंगे तो हर सेल्फ में कितने शूज के पेयर आएंगे? हाउ वी कैन सॉल्व?
टोटल नंबर ऑफ शू सो राइट करेंगे टोटल नंबर ऑफ टोटल पेयर ऑफ शूज राइट करते हैं टोटल पेयर्स ऑफ शूज सो टोटल कितने पेयर्स हैं टोटल पेयर्स ऑफ शूज इक्वल्स टू 24 हाउ मेनी पेयर्स 24 टोटल पेयर्स ऑफ शूज टोटल पेयर्स ऑफ शूज राइट सॉल्यूशन टोटल पेयर्स ऑफ शूज टोटल कितने पेयर है 24 नंबर ऑफ सेल्फ्स अब सेल्फ कितनी है नंबर ऑफ सेल्फ्स नंबर ऑफ सेल्फ कितनी है हाउ मेनी सेल्फ्स आर देयर कितनी सेल्फ्स हैं अनम्यूट एंड आंसर मी जल्दी से अनम्यूट करिए और आंसर करिए गो थ्री नंबर ऑफ थ्री है वेरी गुड नाउ मैम थ्री ओके ओके नंबर ऑफ शूज इन ईच सेल्फ सेल्फ कितनी है अभी शूज शूज के जोड़े कितने हैं 24 मैम एट शूज पेयर्स ऑफ शूज इन ईच सेल्फ पेयर कितने हैं क्योंकि पेयर है ना सो राइट करिए पेयर्स ऑफ शूज मैम आंसर इज एट ईच सेल्फ हर सेल्फ में कितने शूज आएंगे इक्वल करेंगे डिवाइडेड बाय सी सो यहाँ रफ वर्क में डिवाइड 24 को डिवाइड थ्री का टेबल जब तक 24 सो हमने 24 में से 0 सो हाउ मेनी पेयर्स आर देयर इक्वल्स टू कितने पेयर्स बने 8 पेयर्स कितने पेयर्स बने 8 पेयर्स कितने पेयर बन गए 8 पेयर वेरी गुड नाउ नेक्स्ट इज 20 पेयर मैम स्क्रीन शेयर करो जस्ट वेट आप राइट कर लीजिए बाकी के को इंजेक्शन लाने म्यूट योर इक्विट एक्सक्यूज मी मैम मैम रिपीट अगेन इंजेक्शन लाने जा रही हूँ वो फर्स्ट मैंने लाई थी उस क्लास में तो मैं लाने जा रही हूँ म्यूट योर माइक बेटा सो फर्स्ट था टोटल पेयर ऑफ शूज टोटल पेयर ऑफ शूज कितने थे 24 थे नंबर ऑफ सेल्फ कितनी थी 3 सेल्फ थी शूज के पेयर थे 24
सेल्फ थी थ्री, सो पेयर ऑफ शूज इन ईच सेल्फ, तो हर सेल्फ में कितने पेयर आएंगे? 24 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 8, तो हर सेल्फ में 8 पेयर्स आएंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर 20 पेंसिल इक्वली अमंग 5 स्टूडेंट्स. आपने 20 पेंसिल्स को 5 स्टूडेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट बनेगी नंबर ऑफ पेंसिल्स, एन यू एम B E R, राइट सोल्यूशन S O L, नंबर ऑफ पेंसिल्स. नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है? 20. नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स कितनी है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स equals to 5. So each student will get pencil. Her student ko kitni pencil aayengi? Each student will get pencils. Equals to, अब आप इस स्टेटमेंट को अपने आप सॉल्व करेंगे. दिस इज योर होमवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे भी आप अपने आप करेंगे. डिवाइड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन डैश बाय द प्रीडिसेसर ऑफ 6. आपको पहले प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, और By the predecessor of 6. 6 का predecessor क्या होता है? So मुझे पहले place value बताइए. Next digit की place value. Place value. Place value of 5 की place value बताइए यहाँ पर. 10th के प्लेस पे है तो क्या आएगा बेटा? 10th के प्लेस पे है तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 50. वेरी गुड. प्लेस वैल्यू 50 ऑफ 5 इक्वल्स टू 5 की प्लेस वैल्यू क्या आ गई? 50. ओके, प्रीडिसेसर ऑफ 6. प्रीडिसेसर ऑफ 6 का प्रीडिसेसर क्या होगा? प्रीडिसेसर जानती है पिछला मैम, 6 का पिछला डिजिट क्या होगा मैम? 50. 6 का प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर का मतलब होता है पिछला नंबर सब्ट्रैक्टेड बाय 1. इसमें 1 है. 50. बेटा प्रीडिसेसर का मतलब होता है जो भी करो करेंगे. बोल रहे हैं 6 का प्रीडिसेसर. प्रीडिसेसर क्या होता है? आप क्या करेंगे उसमें से एक लेस करते हैं, सक्सेसर में एक प्लस करते हैं, जो भी डिजिट होता है प्रीडिसेसर में एक लेस करेंगे. सो प्रीडिसेसर ऑफ 6 का प्रीडिसेसर क्या होगा? 6 में से 1 लेस कर दिया, वी गेट 6 में से 1 लेस करेंगे. आप भी बोल दिया करो, सर बोल दिया करो मुझसे. सॉल्व करिए बेटा, इसे अपने आप सॉल्व करेंगे.
क्या अपने आप कौन बच्चा बोल रहा है बीच में? व्हाट्स योर नेम? जस्ट वेट, जस्ट वेट, वेट वेट. अभी कौन बच्चा बात कर रहा था बीच में? मैम ऋतिक जो अभी किस बच्चे ने बोला बीच में? लिखा मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी फिर. अपने आप सॉल्व करिए इस सम को. टू सम दिए हैं डिवाइड वाले, उन्हें अपने आप सॉल्व करेंगे. इस वाले सम को भी आप अपने आप सॉल्व करेंगे, इस वाले सम को भी अपने आप सॉल्व करेंगे. सॉल्व करिए बेटा इसे.